एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैपेसिटेंस का टॉपिक है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। रीडिस्ट्रीब्यूशन जब चार्जेस का करते हैं तो किस तरीके से होता है। लेट अस सपोज हमारे पास दो कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर कोई ए है, एक कैपेसिटर कोई बी है। वो दोनों अलग अलग पोटेंशियल पे थे, उनको उठाकर आपने क्या किया, कनेक्ट कर दिया। जब कनेक्ट कर दिया तो उसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का क्या होता है, इसमें कई तरीके की बात करती है। हम लोग कॉमन पोटेंशियल देखते हैं कि जब रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो उसके बाद उनका कॉमन क्या पोटेंशियल निकल गया। दूसरी चीज़ हम लोग देखते हैं कि इसमें जो चार्जेस हैं जब ज्वाइन कर दिया गया तब क्या होंगे पहले जो थे उसके रिस्पेक्ट में। और तीसरी चीज़ जो हम लोग देखते हैं कि इसके तो रीडिस्ट्रीब्यूशन करने की वजह से लॉस क्या होता है। तो आज के वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे कि कॉमन पोटेंशियल क्या होता है। तो आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। कॉमन पोटेंशियल समझने के लिए सबसे बेसिक सी हम बात समझते हैं कि अगर मान लिया जाए कि एक कोई यहाँ पर 100 लीटर की टंकी है, ठीक है, ये आपकी पूरी भरी हुई है, इसके सामने एक दूसरी 100 लीटर की टंकी है, ये लेट अस सपोज आपकी आधी भरी हुई है। अब इन दोनों टंकी को हम लोग कनेक्ट कर देंगे तो ये दोनों टंकियों को जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो पानी एक तरफ से दूसरी तरफ फ्लो होने लगेगा। अब ये फ्लो कब तक होगा, ये फ्लो तब तक होगा जब तक जो उनका ड्राइविंग फोर्स है, क्या ड्राइविंग फोर्स है, हाइट। पानी क्यों फ्लो हो रहा, हाइट के डिफरेंस में, जब तक उनका जो ड्राइविंग फोर्स है वो सेम नहीं हो जाता है, यानी कि दोनों की हाइट जो वाटर लेवल है दोनों सेम नहीं हो जाता तब तक फ्लो होगा। इसी तरीके से लेट अस सपोज ये मान लीजिए कोई इनिशियल सिचुएशन है, इनिशियल सिचुएशन में यहाँ पर ये पहला कोई आपका कंडक्टर है जिस पर कोई चार्ज Q1 है, इसका कोई पोटेंशियल लेट अस सपोज V1 है और कैपेसिटेंस कोई C1 है। ये दूसरा कंडक्टर है, ये Q2 इसका चार्ज है, V2 इसका पोटेंशियल है और C2 इसका कैपेसिटेंस है। अब दोनों को आपने उठाया और वायर से जोड़ दिया, वायर से जोड़ दिया तो इस पर जो एक नया चार्ज Q1 आ जाएगा, इस पर जो नया चार्ज आएगा वो Q2 आ जाएगा और बाकी दोनों में पोटेंशियल चूंकि सेम हो जाएगा तब तक फ्लो होगा जब तक पोटेंशियल दोनों का सेम नहीं होता, यानी कि दोनों जगह पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो फ्लो कब तक होगा, जब तक पोटेंशियल जो होगा वो सेम नहीं हो जाएगा, पोटेंशियल इज सेम। ठीक, समझ रहे हो ना, फ्लो तब तक होने वाला है। ठीक, अब उस पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, वही पोटेंशियल बोलते हैं हम कॉमन पोटेंशियल VC। ठीक, ये VC की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि चाहे इस बॉडी को कनेक्ट किया गया होता या नहीं किया गया होता, एक बेसिक प्रॉपर्टी की चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि जो इनिशियल चार्ज था और जो ये फाइनल सिचुएशन है इसमें जो चार्ज होगा दोनों ही जगह का जो चार्ज होगा वो सेम होगा। यानी कि हम लोग इनिशियल चार्ज अगर हम देखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अगर हम निकालेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वो क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि आपका जो इनिशियल चार्ज होगा यानी कि Q1 प्लस Q2 और जो फाइनल चार्ज होगा वो Q1 प्लस Q2 वो दोनों बराबर होगा। तो Q1 प्लस Q2 की अगर हम वैल्यू निकालें तो Q=CV से जो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट हमें पता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, वहाँ से अगर निकालेंगे तो यह आ जाएगा C1V1, यह आ जाएगा C2V2 और यहाँ देखेंगे तो यह आ जाएगा C1, पोटेंशियल यहाँ पे सेम V हो चुका है और यहाँ पर भी इसका पोटेंशियल C2 और पोटेंशियल V हो गया। इसको हम लोग VC दिखाएंगे कॉमन पोटेंशियल और VC की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 और ये फॉर्मूला जो होता है ये होता है आपका कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला। ये बहुत ही न्यूमेरिकल में आपको काम आने वाला है। ठीक है, बन जाएगा, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।